भाई अगर कोई 4-5 साल का बच्चा रोए ना तो उसको टॉफी पकड़ा देना, और अगर कोई 9-10 साल का बच्चा रोए उसको डीजे लोग पकड़ा देना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चल क्या रहे जिंदगी में। तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई मेरा नेट कते चल ही नहीं रहा यार, मतलब गेम प्ले मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा टट्टी नेट चल रहा है मेरे तरफ। अभी बारिश हो रहा है तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, बहुत दिन से स्टोरी टाइम वीडियो नहीं निकाले हम लोग, मतलब लाए हैं हम लोग, तो आज एक स्टोरी टाइप पे वीडियो आ जाए। तो या आ चुके हम लोग एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ईयरफोन लगा लेना, वैसे कुछ गलत सी नहीं है वीडियो में, बट लगा लेना, मज़ा आएगा। तो मेरे भाई देखो, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होने वाला है रियल लाइफ से। अब हालांकि रियल लाइफ का स्टोरी नहीं है, और मेरा जितना भी स्टोरी रहता है वो रियल लाइफ में नहीं रहता है, इसलिए भाई स्टोरी को दिल पे मत लिया करना। बट आज के वाला जो स्टोरी है ना, बहुत हद तक रियल लाइफ से रिलेटेड है, और यह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। और मेरे भाई चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आप लोग समझते हैं कि एक सब्सक्राइब से क्या होगा, बट यार मेरे लिए वो एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, वेट रहेगा आप लोगों का, सब्सक्राइब का जो नोटिफिकेशन आता है ना भाई, उसका वेट रहेगा मुझे। तो या प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलो, कुछ ज़्यादा ही बकवास हो गया, तो चलो अब स्टोरी में चलते हैं। तो मेरे भाई आज के इस वाले स्टोरी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो गधों की। अब भाई तुम इनको गधा कह दो या फिर दरिंदा कह दो, मेरी मानो तो भाई घनचक्कर कह दो, ये ज़्यादा सही रहेगा। मतलब यार इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है भाई, ओ भाई मारो, मतलब स्टोरी सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे कि ओ भाई मारो मुझे। तो चलो अब स्टोरी में चलते हैं। तो भाई देखो सीन क्या होता है कि दो भाई होते हैं, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि तेरा हर स्टोरी में दो भाई क्यों होता है, तो भाई देखो हम दो भाई हैं तो इसलिए हम हमेशा दो भाई को स्टोरी बनाते हैं। तो यहाँ आप लोग मजा के भाई स्टोरी पे ध्यान दो ना, छोड़ो ना वो क्या आप कर रहे हो। तो देखो दो भाई होते हैं, ठीक है, एक छोटा भाई होता है और एक बड़ा भाई होता है। अब दोनों के दोनों होते हैं भाई फ्री फायर के एडिक्ट। अब भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा भाई तो फ्री फायर खेलता ही नहीं है भाई, वो कोई गेम ही नहीं खेलता, पता नहीं क्या उसको दिक्कत है। तो छोड़ो उससे भाई स्टोरी पे चलते हैं। तो वो जो दोनों भाई होते हैं, वो दोनों भाई होते हैं फ्री फायर के बहुत ही ज़्यादा वाले एडिक्ट। अब देखो सीन क्या होता है, हम लोग सीधे सीन पे चलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके जो पापा होते हैं ना, वो आर्मी में होते हैं, ठीक है। अब उसकी मम आर्मी में होते हैं तो भाई कहाँ रहेंगे, बॉर्डर में रहेंगे ना। तो उसके पापा जो होते हैं वो बॉर्डर पे होते हैं, और इसकी मम्मी का हो जाता है बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब। अब भाई देखो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, इनकी जो इन मतलब इन लोगों को एक और क्या बोलते हैं उसको, शायद कैंटीन या फिर कुछ बोलते हैं, जहाँ पे इन मतलब आर्मी लोगों को फैमिली के लिए अलग से हॉस्पिटल रहता है, अलग से मतलब बहुत सारे सामान जो है वो चीप प्राइस में मिलता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो उस प्राइवेट नहीं यार, आर्मी लोग का अलग हॉस्पिटल भी होता है, बट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण इन लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अब मेरे भाई प्राइवेट हॉस्पिटल का तो आपको पता ही भाई क्या गलत सीन होता है, मतलब पैसा तो भाई कतई लूटम पाट की तरह लूटते हैं भाई किसी लोगों से, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये लोग भाई उतने भी पुअर फैमिली नहीं होते हैं, बट या स्टोरी बस सुनो आप लोग। तो भाई होता क्या है, मतलब भाई इस वीडियो में आपको यही नहीं समझ में आएगा कि हम लोग को हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए, मतलब रोना बोल रहा सॉरी, मतलब आप लोग ये नहीं समझ आएगा कि भाई मुझे स्टोरी में हंसना है कि इमोशनल होना है। तो होता क्या है कि इसके मतलब इन लोग को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है, तो इन लोगों के नज़दीक में प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, और जो आर्मी लोग का हॉस्पिटल होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो उतना जल्दी उतना सीरियस कंडीशन में वो लोग नहीं जा सकते थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी से जाते हैं। अब उसका जो दोनों बेटा होता है भाई, इतना ज़्यादा घनचक्कर होता है कि मैं क्या बताऊँ। अब भाई इसके जो पापा होते हैं ना, ये भेजते हैं इन लोगों को, मतलब अब पैसा तो चाहिए भाई, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप प्राइवेट स्कूल भाई पागल है हम क्या, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाओगे तो भाई पता है आप लोगों को, एक मेडिसिन लेने जाओगे ना उसके लिए पैसे खींचते हैं वो लोग, इतने ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो उन लोग को तो भाई जाना था लेने दवाई। अब भाई मम्मी का जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब भाई पैसे जो थे घर पे थे, इन लोगों के पास पैसा नहीं था, तो ये लोग अपने पापा को कॉल करते हैं कि हमें पैसा चाहिए बहुत जल्दी जल्दी एकदम पैसा चाहिए। तो इसके जो पापा होते हैं ना, वो जो कार्ड होता है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड जो भी कह लो आप, तो वो जो कार्ड होता है ना, वो उसका जो नंबर CVV नंबर
जो भी होता है वो सारा डिटेल जो है इसके पापा इस बड़े भाई को देते हैं। उन्हें लगा था कि बड़ा भाई कहते होशियार होगा, ये दोनों भाई मम्मी का उधर तबीयत खराब है, मम्मी मतलब आईसीयू में नहीं थी बट या बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब था, ठीक है। अब भाई उतना कंडीशन ख़राब था कि मतलब क्या बोलूँ मैं, आप लोग खुद इमेजिन कर लो, उतना मैं इमेजिन नहीं करवा सकता, मैं उतना भी बड़ा वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आप लोगों को मतलब इमेजिन करवाता चलो। तो वो जो होता है ना वहाँ पे इसी तरीके का गलत सीन होता है, ठीक है। तो उन लोगों को जैसे ही पापा ने कार्ड वार्ड का नंबर दिया, ये लोग को भाई क्या चाहिए क्या चाहिए, मतलब आप अगर इसके जगह होते तो क्या करते भाई, मैं बता रहा हूँ अगर हम लोग इसके जगह होते ना, मतलब हम लोग तो सबसे पहले भाग के जाते हम लोग वहाँ पे, जल्दी से दवाई ववाई लेते, जल्दी से जाते वहाँ पे, मतलब ट्राई करते जल्दी जल्दी जो मम्मी को ठीक करें। अब भाई इन लोगों के पास एक ही फ़ोन था जो कि इसकी मम्मी का फ़ोन था। अब भाई मम्मी का तबीयत ख़राब था तो ये लोग को मम्मी का फ़ोन मिला हुआ था, ठीक है। ये दोनों घन चक्कर मंद बुद्धि पहले भाई ये लोग गेम खोल के वहाँ पे आइटम परचेज कर रहे हैं भाई, डीजे आलोक परचेज कर रहे हैं। ओ भाई अब आप बोलोगे कि नहीं भाई, अब क्या बोल रहे हो मन में मुझे पता है, मतलब जो भी अभी यह वीडियो देख रहा है ना भाई वो यही बोल रहा होगा मन के अंदर, ओ भाई मारो मुझे मारो। ओ भाई मतलब किसी की मम्मी का तबीयत खराब है भाई, कंडीशन कतई बुरा हो रखा है, और भाई इन लोगों का फ़ोन का पड़ा है। भाई फ़ोन भी ठीक है, फ़ोन चल भाई वैसे भाई इस सिचुएशन में तो भाई हमें फ़ोन यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत ही इमरजेंसी केस में। और इन लोग भाई इनको पापा का कार्ड का नंबर वंबर सब मिल गया, ये मंदबुद्धि जाके भाई डीजे आलोक परचेज कर रहे हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूं यार मैं, भाई कौन डीजे आलोक ऐसे कंडीशन में परचेज करेगा यार, मतलब भाई कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। अब भाई इनकी मम्मी का, अब भाई मम्मी का डेथ नहीं होता है, आप लोग भाई हर बार बोलते हो कि तो हमेशा मार क्यों देता है कैरेक्टर को, तो भाई इस बार नहीं होगा। तो भाई ये लोग जो भाई मतलब पहले डीजे आलोक ऐसा परचेज करते हैं। अब भाई उधर ऑपरेशन थिएटर में कतई भाई भागा दौड़ी मचा हुआ है कि कहाँ है, कब तक आएगा, क्या होगा, मतलब कतई गलत सीन। और भाई इसका जो भाई था वो भाई उतना भी छोटा नहीं था, मतलब आप लोग सोच रहे हो कि छोटा बेटा होगा तो उतना पता नहीं चल रहा होगा, नहीं मेरे भाई उतना भी छोटा नहीं था कि इतना भी बुद्धि ना हो कि हमें घर कैसे चलाना है और मेरा फैमिली में भी कंडीशन क्या है, इतना भी घनचक्कर नहीं, मतलब इतना भी छोटा नहीं था बट घनचक्कर पूरा था। मतलब भाई अगर मैं बताऊं, अगर 5 साल का भी बच्चा, नहीं 5 साल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, मतलब अगर 10 साल का भी बच्चा होगा ना भाई, तो वो पहले मम्मी के भाई हिलेगा तक नहीं मम्मी के सामने से, और ये लोग को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये लोग को डीजे आलोक से मतलब है। और भाई यही बहुत ज़्यादा गलत सीन होता है, और मम्मी का कंडीशन इसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और या इसकी मम्मी लेकिन बच जाती है, ये लोग को अब आगे मैं बना नहीं सकता स्टोरी, इतनी इमोशनल काफ़ी है, तो आगे बनाऊंगा वीडियो। तो बस आज के इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही, आधा अधूरा स्टोरी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ट्राई करूंगा भाई इससे भी अच्छा अच्छा स्टोरी लाने के लिए, हालांकि ये उतना अच्छा स्टोरी नहीं था बट या इससे अच्छी अच्छी स्टोरी आएगी। और भाई अभी मुझे स्टोरी किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से सस्पेंस लाना रहता है स्टोरी के अंदर, भाई मुझे अभी उतना पता नहीं है, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ज़रूर लाऊंगा मैं। तो बस आप सपोर्ट करते रहोगे भाई, इंप्रूवमेंट क्या सब चीज़ आ जाएगा। तो बस आज के इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही, और कल सुबह मैं आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जैसे लोग फ्रॉड करते हैं, कार्डिंग करते हैं ना, तो वो कार्डिंग क्या होता है, व्हाट इज़ कार्डिंग, ये सब आपको कल के वीडियो में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून्ड रहना। तो बस बाय बाय, टेक केयर भाई, अपना ध्यान रखना।